एवरीवन, हैप्पी दिवाली। दिवाली आ चुके हैं, कल दिवाली है और शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हो रही। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा, कमेंट जरूर करना, या मेरे साथ सिर्फ मैं अकेली हूँ जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब इतने दिन से शॉपिंग चल रही है, हफ्ते भर से शॉपिंग चल रही है, बट शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं आ गई मॉल में, जो घर में करंजी वगैरह बनता है उसके लिए शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ शॉपिंग हम लोगों ने कर लिया, मैं और मम्मा आए थे। घर पे पहुंची तो देखी मामी के बच्चे आए हुए थे और यहाँ पे दोनों खूब सारी मस्ती कर रहे थे। मामी को मार्केट जाना था तो मेरे घर ही छोड़ के गए थे, और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चिज्जी लाया। सब मिल के मस्त में बैठ के खा पी रहे थे। उसके बाद मैं चली गई अपने लिए ड्रेस लेने के लिए। बहुत ही मुश्किल काम होता है ड्रेस लेना। मेरी आदत है, जब तक मुझे ड्रेस पसंद नहीं आती तब तक मैं लेती नहीं हूँ। क्या आप सबके भी आदत ऐसी है? चाहे कितना भी दुकान देखना पड़े चलेगा, लेकिन ड्रेस तो पसंद के ही होने चाहिए, है ना? तो फिर मैं ना एक शोरूम में आ गई ड्रेस लेने के लिए, बट इनके पास कुछ ज़्यादा अच्छे कलेक्शन ही थे, एक ये थे और ये बहुत ही कॉस्टली थे, तो मैंने नहीं लिया, इनके शॉप से वीडियो बना लिया। उसके बाद मुझे दुकान पे ये दिखा जो कि अच्छा लग रहा था, गाउन डेली वेयर के लिए मैंने ये ले लिया। देन मैंने ये देखा, ये कुछ थोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मैंने ये इसको लिया नहीं क्योंकि भैया बहुत ही ज़्यादा इसका प्राइस बता रहे थे। फिर मैं एक दुकान पर गई, मुझे ये ड्रेस दिखा, तो चलो आप लोग बाद में देखना कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया है। एंड उसके बाद हम लोग आ गए सूरज लामा मोमोज खाने के लिए। शाम हो चुके थे, मैंने कोमल को भी साथ में लिया था। ये मेरी पार्टनर हर जगह मेरे साथ में ही रहती तो अच्छा लगता है। तो यहाँ से फाइनली शॉपिंग के लिए मम्मा के लिए नूडल्स ले लिया था, एंड देन मम्मा ने मिट्टी लाने के लिए बोला था तो मिट्टी भी खरीद लिया था तुलसी के पेड़ लगाने के लिए। शाम हो चुके थे, सूरज को देखो। एंड उसके बाद मैं आ चुकी थी घर। घर पे आए देखे बच्चे लोग सोच के उठ चुके थे, ये उठा है और ये परी सोई रही है अभी तक। उसके बाद हम लोगों ने बनाया बिस्किट। गोरेगांव मार्केट गई जहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा कैंडल मिल रहा था, सारे सामान मिल रहे थे। आप सबको भी अपने पास के स्टोर से ही शॉपिंग करना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी तो दिवाली होती है ना, हम लेंगे तभी तो ये भी मना पाएंगे। और मैं मार्केटिंग कर ही रही थी तब तक पापा आ गए पटाखा दिलाने के लिए। पापा बोले कि क्या क्या लियो बताओ, लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। पापा काम पे थे, काम पे से ही आ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पटाखा लिया, दिया लिया और गुलाल वगैरह लिया रंगोली निकालने के लिए। जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की थी वो सब ले लिया। और दुकान में बहुत सारे प्यारे प्यारे चीज़ें आई थी, तो फाइनली हमारी यहाँ पे शॉपिंग हो चुकी है। मैंने आग बंद कर लिया है और प्राची ने भी आग बंद कर लिया है, तो ये सरप्राइज इसके लिए है ना। हाथ हाथ हटाओ इसके लिए, सरप्राइज। आप खोलो, खोलो। कैसा लगा आने और प्राची? अच्छा लगा। कैसा है बाबू? अच्छा है। क्या भी आपके लिए हैप्पी दिवाली एडवांस में। नेक्स्ट डे बच्चों का अपॉइंटमेंट था मेहंदी के लिए। मुझे मेहंदी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, जैसे भी आती लगा दिया। सारे बच्चे मुझसे ही मेहंदी लगवाते हैं, देखो इस तरीके से लगा दिया मैंने। और फाइनली मुझे गिफ्ट मिला दिवाली का, स्मार्ट वॉच। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।